बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन चैप्टर नंबर 3 में। ये आर्टिकल है 3.1.6। चूंकि हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास माइक्रोफोन। बहुत ही आसान और शॉर्ट सा टॉपिक है और इंतहाई ईजी है। इसके बारे में आपको वैसे भी पता है, आजकल माइक्रोफोन यूज़ होता है। माइक्रोफोन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में हम वॉइस डाटा, ऑडियो डाटा एंटर करते हैं। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स की इनपुट कंप्यूटर में करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर टेक्सचुअल डाटा एंटर करना है तो कीबोर्ड यूज़ हमने किया था, हमने अगर इमेज डाटा एंटर करना है तो हमने स्कैनर यूज़ किया था। तो जब हमने वॉइस कंप्यूटर में एंटर करनी है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन के ज़रिए से कंप्यूटर में हमारी आवाज़ जो है वो डिजिटली सेंड होती है। मैंने पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो चीज़ कंप्यूटर में चलेगी वो डिजिटल है, ठीक है। तो अभी जो आवाज़ है हमारी, जो अगर रिकॉर्ड नहीं होती, माइक्रोफोन नहीं है, तो वो कहीं सेव नहीं होगी। लेकिन अगर माइक्रोफोन के ज़रिए से कंप्यूटर में चले जाएगी तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जब वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो वो एक फाइल बन जाएगी, और जब फाइल बन जाएगी तो मैं उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। उस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, किसी को सेंड कर सकता हूँ, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ कंप्यूटर में चलेगी उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। तो माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर से अटैच करके जब हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ ये इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करेगा कि इसमें डिजिटल में, और कंप्यूटर में वो हमारी वॉइस चले जाएगी। डिजिटल से मुराद वैसे 01 होता है, तो हमारे कंप्यूटर में जो चीज़ होती है वो 01 में होती है। मतलब कंप्यूटर सिर्फ 01 की लैंग्वेज को ही समझता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे बिल्कुल मैंने इसकी डिटेल बताई थी। तो ये जो माइक्रोफोन है इसके जरिए से हमारी वॉइस कंप्यूटर में एंटर होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि वॉइस रिकॉग्निशन क्या है। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब है आवाज़ की पहचान करना, वॉइस रिकॉग्नाइज करना, आवाज़ की पहचान करना। आजकल हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनमें वॉइस रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, और मतलब मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी और कंप्यूटर्स के लिए भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी आवाज़ की पहचान करता है, हमारी आवाज़ को मैच करता है। असल में ये इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। मोबाइल पे सिक्योरिटी लगा दी कि मैं अपनी, मेरी आवाज़ होगी तो फिर ही मोबाइल खुलेगा, मतलब लॉक ओपन होगा, मोबाइल ओपन होगा, वरना मोबाइल ओपन नहीं होगा। अब वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में अपनी आवाज़ पहली दफ़ा रिकॉर्ड करवाते हैं। मतलब कोई भी हम सेंटेंस बोल लेते हैं या कोई वर्ड बोलते हैं, हमारी आवाज़ वो रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन आवाज़ कंप्यूटर में गई कैसे, वही चीज़ कि माइक्रोफोन के ज़रिए से आवाज़ कंप्यूटर में एंटर हुई। जब वो आवाज़ कंप्यूटर में एंटर हुई, उसने रिकॉर्ड कर लिया सॉफ्टवेयर ने। दोबारा जब मैं बोलूँगा, मेरी आवाज़ को पहली वाली आवाज़ से मैच करेगा। अगर वो मैच हो गई, वर्ड्स भी वही हुए और साउंड भी मैच हो गई, मतलब साउंड की जो पिच है, उसकी लाउडनेस है, उसकी क्लैरिटी है, हर चीज़ उसने मैच की, तो मैच करने के बाद उसने लॉक को ओपन किया। अगर मैच नहीं होगी, किसी और की वॉइस होगी, तो वो फिर लॉक को ओपन नहीं करेगा। वैसे तो ये बड़ी देर का सिस्टम आ गया हुआ है। आजकल जो हमारे पास फेस डिटेक्शन वाले सिस्टम्स चल रहे हैं और थंब इंप्रेशन वाले सिस्टम चल रहे हैं, बायोमेट्रिक, तो लेकिन ये पुराना सिस्टम है वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन ये भी एक कामयाबी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि उन्होंने वॉइस को रिकॉग्नाइज करने वाला सॉफ्टवेयर बना लिया। अब इसमें दो बातें हैं। जब हम बोलते हैं और आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं स्पीच। तो दो तरह की स्पीचेस हम बोलते हैं, एक होती है डिस्क्रीट स्पीच और दूसरी होती है कॉन्टीन्यूअस स्पीच। डिस्क्रीट का मतलब होता है वक्फे के साथ, और कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब हम बोलते हैं तो अपने हर अल्फाज में अगर हम वक्फा रखें, ठीक है, तो फिर वो स्पीच कहलाएगी डिस्क्रीट स्पीच, और अगर हम लगातार बोलते जा रहे हैं जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, तो वो फिर कंटिन्यू स्पीच कहलाएगी। अगर हम हर वर्ड्स के दरमियान में वक्फा रख दें, थोड़ी स्पेस दें, थोड़ी देर हम ठहरें, तो फिर वो डिस्क्रीट स्पीच होगी। ओल्ड जो वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर्स थे वो कंटिन्यू स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। मतलब उनमें ये मसला था कि हम लोग अगर जल्दी से बोलें, मतलब अपने अल्फाज के दरमियान में कोई वक्फा ना रखें, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ बड़ी स्पीडीली, तो जल्दी जल्दी बोल के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाते थे, और नेक्स्ट टाइम जब हम बोलते थे तो वो उसको मैच करता था, वो मैच नहीं कर पाता था। वो ये कहता था कि अपनी हर वर्ड्स के दरमियान में वक्फा रखो, ताकि मुझे पता लगे पहला वर्ड कहाँ शुरू हो रहा है और दूसरा कहाँ पे शुरू हो रहा है। मतलब पहला कहाँ शुरू हुआ, कहाँ एंड हुआ, फिर दूसरा कहाँ शुरू हुआ, दूसरा कहाँ पे एंड हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ और रिकॉर्ड करवाता हूँ, ओपन द लॉक, ओपन द
लोग, मतलब दरमियान में मैंने वक्फा किया, तो ये जो स्पीच है डिस्क्रीट स्पीच है। तो ओल्ड जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम थे वो कंटिन्यू स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, उनका जो सिस्टम था वो डिस्क्रीट स्पीच पे चला करता था। लेकिन आज के जो सिस्टम्स हैं उनमें अगर हम कंटिन्यू स्पीच भी यूज़ करें, मतलब लगातार बोलते भी जाएँ, तो तब भी वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं डिस्क्रीट स्पीच को ही, क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम बड़ी स्पीडली बोलेंगे तो बहुत सारे अल्फाज में जो बातें, मतलब बहुत सारे अल्फाज वो अदा नहीं हो सकेंगे सही तरह, और जब नेक्स्ट टाइम जब हम बोलेंगे तो हो सकता है उस स्पीड के साथ हम ना बोल पाएं, तो हमारी आवाज़ तो मैच हो जाएगी लेकिन वो अल्फाज मैच नहीं होंगे। तो कंटिन्यू स्पीच जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं है, बेहतर ये है कि डिस्क्रीट स्पीच का इस्तेमाल किया जाए ताकि कल को हमारे लिए ही प्रॉब्लम ना बने, वरना वो लोग हमारी आवाज़ से भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसे वॉइस रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये जाहिर सी बात है इसको इस्तेमाल करना है तो माइक्रोफोन का यूज़ करना पड़ेगा आवाज़ को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।